वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अडोब प्रीमियर का हमारा थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने जो प्रोजेक्ट को ओपन करना है उसके बारे में बताया है, और सेकंड प्रोजेक्ट को हमने फाइल के सारा डिटेल्स वगैरह दिए। फाइल वाला ऑप्शन है, तो आज हम एडिट से स्टार्ट करेंगे। तो सोहन जितना गया उसी के मुतालिक बात करेंगे। एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एंडो एंड रीडू का ऑप्शन आपके सामने शो होता है। अंडू मतलब आपने कोई चीज कर ली है, मतलब आई थिंक मैंने एक वीडियो को इंपोर्ट कर लिया है। मैं इस वीडियो को यहाँ पर मैंने इस वीडियोस को इंपोर्ट कर लिया है, तो इधर जाऊंगा तो अंडू करूंगा तो ये वीडियो कैंसिल हो जाएगी। अंडू का मतलब है कि आपने एक काम कर लिया, उस काम को आपने डिलीट करना है, दैट इज कॉल्ड अंडू। तो मैंने अंडू कर दिया तो वो डिलीट हो गया। रीडू का मतलब है कि अब मैंने एक प्रोजेक्ट है उसे डिलीट कर दिया, तो उसे रीडू करूंगा तो ये वापस आ गया। रीडू का मतलब है एक दफा जिस चीज की उसे दोबारा री अगेन होता है। री का मतलब जो होता है री का अगेन, एंड डू डू का मतलब है करना, जो री का मतलब अगेन दोबारा करना। तो अंडू करेंगे फिर ये गायब हो जाएगा, रीडू। तो ये रीडू कंट्रोल प्लस जी। तो अगर आपने एक दफा रीडू कर दिया तो आपको रीडू का ऑप्शन दोबारा अगेन उस टाइम इंस्टेंट पे शो नहीं होगा। अब मतलब मैं इसे न्यू प्रोजेक्ट ले आता हूँ एक और, उससे मैंने ये वीडियो ले ली। अब मैं करता हूँ कंट्रोल इधर जी कर देता हूँ तो अंडू। अब जाके मुझे यहाँ पर रीडू का ऑप्शन शो होगा, तो ये इसलिए था। कंट्रोल जी सारा डिलीट कर दिया। आप इसे ज्यादातर कीबोर्ड यूज करें, इससे आपको ज्यादा आसानी होती है। बाकी आपको अभी कोई भी कंट्रोल एक्स, ये कंट्रोल एक्स तब आपका काम करेगा जब आपने एक वीडियो ले ली है। आप मैंने ये वीडियो ली और उसको मैंने इधर इम्पोर्ट कर दिया। अब आप ये देखें, इधर इसे वीडियो को थोड़ा सा आगे किया। अब यहाँ पर आपका कंट्रोल कुछ भी नहीं, कट करना है कॉपी करना है ये भी काम नहीं कर रहा। आपकी वीडियोस को आपने एक क्लिक किया, अब जाके क्लिक करें तो आपका कट एंड कॉपी का ऑप्शन, मैं कट कर रहा हूँ तो ये कट होगी। कंट्रोल जी किया तो वापस बैक आ गई। तो ये इसलिए था, तो एडिट का ऑप्शन इसलिए था। कॉपी करना है कंट्रोल प्लस सी एंड इधर आ जाए, इधर आके आपने पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस वी कर देंगे, आपकी वीडियो पेस्ट हो जाएगी। सारे ऑप्शन समझ कर यूज करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा जल्दी इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं इस पे दोबारा एडिट पे आया हूँ। आपको अंडू का बता दिया, रीडू का बता दिया, कट का है कि आपने जो टाइम लाइन पे आपका जो वीडियो है उस पर लाजमी इंटर करना है, अदरवाइज आपका ये ओपन नहीं होगा। मतलब मैं वैसे कर रहा हूँ तो देख रहे हैं आपका कट एंड कॉपी कुछ भी नहीं है, पेस्ट वाला है क्योंकि मैंने ऑलरेडी पेस्ट किया हो, तो इस वजह से। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये कट वाला ऑप्शन तब जाकर आपके सामने शो हो रहा है, कट एंड कॉपी पेस्ट है, पेस्ट इंसर्ट। ये मेरी जो है वीडियो इस टाइम पे इधर है ना, तो मैं इस पेस्ट इंसर्ट करूंगा तो ये वीडियो यहाँ से ऐड हो जाएगी, जिधर ये टाइम लाइन है वहां से वो ऐड होना शुरू हो जाएगी। इसे कंट्रोल जी किया तो इसलिए है, मतलब अगर मेरी वीडियो टाइम लाइन 5 सेकंड से, तो 5 सेकंड से आगे होगी। अगर मेरी वीडियो यहाँ पर है तो मैं अगर इंसर्ट यहाँ पर करूंगा तो पेस्ट इंसर्ट, तो ये यहाँ पर ऐड होगी, इतना फासला इसमें होगा। तो ये पेस्ट इंसर्ट इसके बारे में थी। तो पेस्ट इंसर्ट को क्लियर किया तो उसके बाद है सिलेक्ट ऑल। तो एक प्रोजेक्ट ओपन है तो एक प्रोजेक्ट ही होगा, मतलब इसमें हम ले आते हैं दो प्रोजेक्ट ले आते हैं। इसके लिए हमें एक वीडियो और लेनी पड़ेगी, ये मैंने वीडियो ली और उसे मैं ले आया यहाँ पर। तो इस पे आए, उसके बाद आप आ जाएं सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, ये आपके ऑल प्रोजेक्ट जो हैं सिलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद सिलेक्ट ऑल वाला भी ऑप्शन हमारा क्लियर हुआ, तो उसके बाद डी सिलेक्ट ऑल आ जाता है। डी सिलेक्ट ऑल करेंगे तो आपका ये डी सिलेक्ट हो जाएंगे सारे। उसके बाद है डी सिलेक्ट, एक प्रोजेक्ट को हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद एडिट पे जाएंगे तो फाइंड आ जाता है, कंट्रोल प्लस एफ करेंगे कि आपने कोई प्रोजेक्ट टाइम लाइन में आपका कोई प्रोजेक्ट ऐड है। इसका हमारा है अनटाइटल, इसे हम अनटाइटल के नाम से सर्च करते हैं। ये देखें ये हमारा टाइटल जो अनटाइटल का है, तो वो इस पर क्लिक हो जाता है। तो इसका अर्थ है ये, तो अनटाइटल फाइंड नेक्स्ट पे आ जाता है। ये भी इसी के मतलब टीम प्रोजेक्ट, आपने अपना टीम प्रोजेक्ट है उसे यहाँ पर ओपन, प्रोजेक्ट को टीम प्रोजेक्ट में ओपन करना है तो आप इस इधर से आ गए, इधर सिंपल स्टेप है, आपने यहाँ से इसे चेंज कर देना है। एडिट इन अडोब एडिशन, ये मेरा अडोब एडिशन मेरे पीसी में डाउनलोड है, इस वजह से ये यहाँ पर शो हो रहा है। अदरवाइज अगर आपके अडोब एडिशन नहीं है तो ये यहाँ पर शो नहीं होगा। तो सीक्वेंस में जाएंगे, अडोब एडिशन है सिर्फ वॉइस एडिटिंग के लिए, उसके बारे में भी ट्यूटोरियल इंशाल्लाह नेक्स्ट बना देंगे। कीबोर्ड शॉर्टकट इसके बारे में वीडियो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट बनाएंगे, क्योंकि ये काफी बड़ा है इसके
काफी बड़ी वीडियोस हो जानी, तो इसलिए इस पर इंशाल्लाह वीडियोस नेक्स्ट बनाएंगे। प्रीफ्रेंसेस है इसका, जनरल अपेयरेंस, ऑडियो हार्डियो हेवी, सारी इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जनरल्स के बारे में बता दिया, अपेयरेंस जो आपका जो ये अपेयर हो रहा है स्क्रीन, ये अपेयरेंस कहलाती है। ऑडियो जो ऑलरेडी बता चुका हूँ सारी डिटेल इसके बारे में, आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आती तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ट्यूटोरियल में आपको सारी मिल जाएंगी। उसके बाद आता है क्लिप वाला ऑप्शन जो होता है, क्लिप में आपका भी कुछ भी नहीं, तो मैं क्लिक करके क्लिप पर आता हूँ तो ये रीनेम है, मेक एज सब क्लिप है, तो ये सब क्लिप हो जाएगी। मतलब मैं 1 2 करके एंटर कर देता हूँ तो ये सब क्लिप है, ये डबल हो गया मेरा, मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ तो मैंने इस क्लिप पे क्लिक किया तो क्लिप वाला ऑप्शन का ये था। तो सोर्स सेटिंग, सोर्स सेटिंग पे आप जाएंगे, मतलब इसका ये ओपन नहीं हो रहा पीसी में। उसके बाद आपने इसे क्लिप पे ऑप्शन पे आके वीडियो ऑप्शंस, फ्रेम होल्ड ऑप्शंस, ऐड फ्रेम, तो ये सारा इंशाल्लाह आपको वीडियो के जो सेट टू फ्रेम साइज है इंशाल्लाह उसके बारे में बता दीजिएगा। स्पीड ड्यूरेशन कंट्रोल प्लस आर करें, स्पीड ड्यूरेशन चेंज करनी है, मतलब ये 15 सेकंड की वीडियो से आपने 5 सेकंड करना है, मैंने 4 सेकंड पे किया, वीडियो के टाइम भी कम हो गया और स्पीड देख लें आप कितनी तेज हो गई है, ये देखें इतनी स्पीड, इसे कंट्रोल जी करें अब स्पीड स्लो है। तो ये इसे इसका ये मकसद था कि कंट्रोल प्लस आर करें आपका स्पीड ड्यूरेशन का ऑप्शन शो हो जाता है। इनेबल, इनेबल कर दिया तो वीडियो आपकी शो ही नहीं होनी, इनेबल का मतलब है कि आपने इनेबल कर दिया तो वो अब इस काबिल नहीं है कि वो शो हो। तो इस पर अब मैं कंट्रोल जी एंड अगेन क्लिक एंड फिर इनेबल, तो लिंक करना है तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट का ये है कि आपने ये दो प्रोजेक्ट है तो मैंने इसे नेक्स्ट करना है, तो मैं इस क्लिप पर जाऊंगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये दो प्रोजेक्ट्स मेरे सेम पे हो जाएंगे, ये नेक्स्ट हो गया, ये देख लें ये दो प्रोजेक्ट्स मेरे एक एक में आ गए। इधर से ब्लैंक थी, इधर ये ब्लैंक रह जाएगी और इधर ये बैक, तो कंट्रोल जी किया तो इसके बारे में आपको बता दिया है। उसके बाद आ जाता है आपका क्लिप का मुतल्लिक सारा हो गया, एंड सीक्वेंस, सीक्वेंस सेटिंग्स जो होती है ये आपका ये वाला सीक्वेंस है जो आपको फ्रेम साइज का बताया कि आपकी वीडियो का साइज कितना कैसे होना चाहिए वो बता दिया फ्रेम, बाकी इस किसी चीज को आपकी छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। सीक्वेंस पे आगे इसके जूम इन एंड जूम आउट, इसके बारे में आपको नहीं, इसके बारे में नहीं बताया जा, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्योंकि अभी ये बेसिक नहीं है, ये एडवांस वालों के लिए, तो आपको थोड़ा सा पहले सारा सीख लेना चाहिए उसके बाद आपको इसके बारे में बात करनी चाहिए। तो आज की वीडियो जस्ट यहाँ तक थी, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अपने इस प्रोजेक्ट्स वाले भी बात करेंगे जो नेक्स्ट बाकी है, मार्कस ग्राफिक्स एंड व्यू, ये आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट बताए जाएंगे क्योंकि ये बेसिक नहीं है, एडवांस वाले प्रोजेक्ट्स में आ जाते हैं, तो इंशाल्लाह इस पर वीडियो नेक्स्ट बनाएंगे। थैंक यू फॉर द